अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। शाहीन शाह आफरीदी, द फैल्कन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, वंस अगेन इज फ्लाइंग हाई इन वाइट टेरिटरी ब्लास्ट। एंड गेस व्हाट, ही बोल्ड अ फिनोमिनल सेकेंड स्पेल। शाहीन के सेकेंड स्पेल के बारे में हम हमेशा यहाँ पे बात करते हैं कि फर्स्ट स्पेल उनका आउटस्टैंडिंग होता है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस होती हैं फर्स्ट स्पेल में, और सेकेंड स्पेल उनका इतना अच्छा और इकोनॉमिकल नहीं होता है। ऑल्दो विकेट्स उन्हें फर्स्ट स्पेल से ज़्यादा सेकेंड स्पेल्स में मिली हैं स्टैट्स अगर देखें तो, लेकिन सेकेंड स्पेल में वो इकोनॉमिकल नहीं होते, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, 10 की उनकी इकॉनमी होती है। तो ये चीज़ पाकिस्तान टीम के लिए भी है कि मुश्किल वाली थी या जो सोचने वाली एक बात थी कि शाहीन शाह आफरीदी सेकेंड स्पेल में इतने रन्स लीक कर रहे हैं, डेथ ओवर्स अच्छे से नहीं करा सक रहे। दैट्स व्हाई हमने ये भी यहाँ पे बात की थी कि शाहीन के T20s में स्पेशली हम चारों ओवर्स स्टार्ट में करवा लें, ताकि फिर डेथ में हमारे पास नसीम और हारिस के भी ओवर्स हों, और मिडल में नवाज और शादाब है के कंटेन कर लेंगे। एनीवेज, अब अच्छी खबर ये है कि शाहीन शाह आफरीदी ने अपने सेकेंड स्पेल में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। ही कंसीडेड जस्ट 7 रन्स इन हिज लास्ट 2 ओवर्स व्हेन द ओपोनेंट टीम नीडेड 32 रन्स इन 24 बॉल्स। Awesome man, awesome। और मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है और बहुत खुशी भी हो रही है कि शाहीन शाह आफरीदी ने अपना रिधम जो है वो दोबारा से गेन कर लिया है, तो बहुत अच्छा है शाहीन के लिए भी और हमारे टीम पाकिस्तान के लिए भी। एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ मैच प्रैक्टिस, जो मैच प्रैक्टिस मिली है शाहीन को वाइटलिटी ब्लास्ट में पैदल पे मैचेस खेल के। सो आई होप अब वो फैंस जो नहीं चाहते कि हमारे प्लेयर्स लीग क्रिकेट खेलें, या जो कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स लीग क्रिकेट खेल के इंजर्ड हो जाते हैं दिस एंड दैट, तो देखो इतनी ज़्यादा अव्वल तो लीग क्रिकेट भी नहीं होती है। लीग क्रिकेट नॉर्मली T20 की होती है, जस्ट 4 ओवर्स ही कराने होते हैं, तो इतना ज़्यादा उसकी वो नहीं होती है, मसला नहीं होता है उतना। फिर भी हमारा मीडिया और कुछ लोग जिनको इतना अभी नहीं है सेंस, वो यही कहते हैं कि भाई हमारे प्लेयर्स को लीग क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए ताकि वो नेशनल ड्यूटीज़ के लिए अवेलेबल रहें। बट हमने पहले भी यहाँ पे बात की थी कि लीग क्रिकेट ज़रूर खेलनी चाहिए, इससे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाके खेलने का एक्सपीरियंस मिलता है जो पाकिस्तान को ही काम आता है। और नॉर्मली पाकिस्तान इतने ज़्यादा मैचेस नहीं खेलता है, तो प्लेयर्स को अपने आप को मैच फिट रखने के लिए भी, बिकॉज नॉर्मल फिटनेस अलग होती है और मैच फिटनेस अलग होती है, तो मैच फिट रखने के लिए भी लीग क्रिकेट जो हैं वो काम आती हैं हमारे प्लेयर्स को स्पेशली। तो इतने जो लीग क्रिकेट में शाहीन शाह आफरीदी ने मैचेस खेले हैं उससे उनको एक्सपीरियंस मिला है और वो आई बिलीव कि अब मैच फिट हो गए हैं। और शाहीन अभी इंजरी से वापस आए हैं, तो यही मेन वजह थी कि वो लीग क्रिकेट खेलेंगे तो जो रिधम गेन करने में टाइम लगता है। जब एक प्लेयर स्पेशली फास्ट बॉलर जब इंजरी से वापस आता है, वो भी नी की इंजरी से, तो बहुत ही ज़्यादा उसे मुश्किल तो ऑब्वियसली होती है। बट शाहीन एज वी ऑल नो कि इज़ अ फाइटर प्लेयर, तो उन्होंने उस इंजरी को तो ओवरकम कर लिया है, बट रिधम जो होता है ना एक बॉलर का, वो गेन करने में टाइम लगता है और मैच फिट होने भी में भी एज आई मेंशन अर्लियर के टाइम लगता है। और अब आई थिंक के शाहीन मैच फिट हो गए हैं, और अच्छी बात एक और ये भी है कि अब वो टेस्ट मैच भी खेलेंगे, तो टेस्ट मैच ऑब्वियसली 5 दिन का होता है, उसमें ज़्यादा है कि ओवर्स करवाने होते हैं एक पेसर्स को, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि श्रीलंका में है, श्रीलंका में इतने ज़्यादा पेस को सपोर्ट करने वाली पिचेस नहीं होंगी, नॉर्मली विंड की वजह से स्टार्ट के ही ओवर्स में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, और स्टार्ट के कुछ ओवर्स शाहीन शाह आफरीदी करवा लेंगे तो फिर इसके बाद स्पिनर्स का ही काम होगा। और उसका फ़ायदा ये होगा कि शाहीन को और मैच प्रैक्टिस और मैच फिटनेस मिल जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू शाहीन, एंड होपफुली ही विल परफॉर्म वेल इन अपकमिंग मैचेस इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। अल्लाह हाफिज़।